जय हिंद दोस्तों, सबको मेरी तरफ से राम राम। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, ये हैंड ब्रेक है जो, इसको हम लोग लगा के कई बार भूल जाते हैं और चलाते हैं, चल देते हैं और पता नहीं चलता हम लोग को, और नुकसान कितना बड़ा होता है मैं पूरा आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा लाइव चला के भी, कि गाड़ी हैंड ब्रेक में लगी होने के बाद भी आपकी कार चल सकती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक सुंदर से हाथ से एक सुंदर सा लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों देखो, हैंड ब्रेक सबसे अच्छी आदत, पहली तो ये अच्छी आदत है कि आप गाड़ी कहीं भी खड़ी करो, चाहे चढ़ाई में है, चाहे आपकी डाउन में है, कहीं भी गाड़ी पार्क दो मिनट के लिए भी आप खड़ी करके जा रहे हो, इसको हैंड ब्रेक को ऊपर करके जरूर जाओ। ठीक है, जब आते हो इसको ध्यान इस पर प्रॉपर देना है दोस्तों। अगर आपकी कार गैरेजों में बड़े बड़े जाओगे आप देखने, तो वहाँ गैरेजों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनका मतलब कि क्या हो गया उनके अंदर, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि लोग क्या है कि हैंड ब्रेक को लगा के ही कार को चलाते रहते हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर तक खींच के ले जाते हैं गाड़ी को। आपके हैंड ब्रेक नहीं अगर लगा के आप चलाओगे दोस्तों, आपके कार के बुश खराब, रिंग खराब, आपके दोनों चक्के की टायर जो ख़त्म, ब्रेक 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 ख़त्म। ठीक है, मतलब कि इसका 40-30-40 हज़ार रुपए का खर्चा नॉर्मली आना ही आना, अगर ये छोटी सी गलती आपकी कितनी भारी पड़ सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक लाइव चीज़ दिखाता हूं दोस्तों। अभी हैंड ब्रेक मैंने ऊपर किया हुआ है, आपके सामने हैंड ब्रेक ऊपर किया हुआ है, और यहां पे एक साइन दिखा रहा है दोस्तों, हैंड रेड कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब कि हैंड ब्रेक लगी हुई है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों हैंड ब्रेक ऊपर है, अगर फुल हैंड ब्रेक ऊपर है तब तो आपकी कार नहीं चलेगी। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे लग जाती है हैंड ब्रेक, ए यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग ने डाउन किया, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं एक जगह पे लग गई हैंड ब्रेक। अभी इसमें हैंड ब्रेक लग गई दोस्तों, अभी भी यहाँ शो कर रहा है दोस्तों कि हैंड ब्रेक लगी हुई है, आपके सामने शो कर रहा है हैंड ब्रेक लगी हुई। अभी देखो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट गियर डाला ना दोस्तों। अब देखो, अब गाड़ी मेरी आगे देखना, अभी ये चलती हुई जा रही है और हैंड ब्रेक यहाँ पे शो कर रही है और यहाँ गाड़ी चल रही है ना दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, हैंड ब्रेक लगी हुई है और गाड़ी मेरी रनिंग पे है, ये देखिए। अभी मैं गाड़ी को कितने किलोमीटर भी ले जाऊँगा, मगर वहाँ देखिए शो कर रहा है कि आपकी हैंड ब्रेक कार की लगी हुई है। आप कितनी भी स्पीड में ले जाओ गाड़ी को, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ नुकसान बचने के लिए। ठीक है, अभी भी देखिए यहाँ पे हैंड ब्रेक शो कर रहा है और गाड़ी मेरी कितनी स्पीड में जा रही है। ठीक है, अगर अभी ये हट जाएगी, क्योंकि मैं डाउन कर दिया इसको, हैंड ब्रेक को कर दिया डाउन। अभी दोस्तों इसमें नुकसान भाई बहुत भयंकर नुकसान है, इससे आप बचो जब भी आप गाड़ी में बैठो। मैं तो पहले बताया आपको कि गाड़ी में जब भी आप बैठते हो तो पहले अच्छे ड्राइवर की पहचान यही है कि वो पहले तो, आप कहीं भी जाओ गाड़ी को रोक के जाओ, मैं कहता हूँ फोर व्हीलर है, चारों चक्के हैं इसके, अगर आप हैंड ब्रेक नहीं लगाओगे तो गाड़ी को आपको कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी, 5-7 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा, उसको गाड़ी को धक्का मार के उसको कहीं भी लेके जा सकता है, क्योंकि चार पहिए इसके, स्टैंड तो है नहीं कि रुका हुआ है। ठीक है, इसलिए हैंड ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। आप हैंड ब्रेक कहीं भी दो मिनट के लिए भी उतरो, पार्क करो, हैंड ब्रेक जरूर लगाओ, मगर गाड़ी का दरवाजा खोलते के साथ जब आप बैठते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, पहले आपने हाथ यहाँ पे देखना है, जरूर देखना दोस्तों। आपके, मैं बता रहा हूँ, आपकी कार जैसी आप कार को रखोगे वैसे ही आपको भी कार रखेगी। ठीक है, बहुत आदमी क्या करते हैं, आते हैं तुरंत बैठ जाते हैं गाड़ी में, चाबी मारी निकल गए, ये गलत दोस्तों। पहले आप अपना मीटर के अंदर साइन देखो, मीटर क्या साइन दे रहा है, उसके अंदर क्या शो कर रहा है। अभी शो कर रहा है मैंने हैंड ब्रेक लगाई हुई है तो शो कर रहा है, अभी मैं डाउन करूंगा, ये डाउन किया, ये गायब हो गई। इन चीज़ों को थोड़ा नोटिस करो। ठीक है दोस्तों, तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है दोस्तों, आपका पूरे चक्के जो ख़त्म हो जाएंगे, रिंग पिस्टन इसके ख़त्म हो जाएंगे, बुश ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको खर्चा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और जो कब आपको पता चलेगा, जब पूरी गाड़ी धुआं मारना स्टार्ट हो गई, पूरे धुआं मार दिया उसने, ठीक है, पूरा ब्रेक ऑयल भी उसका ख़त्म हो गया, सब कुछ कंडम हो गया, तब आप जाके बोलोगे कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। ये छोटी सी गलती है, माइनर जिसको बोलते हैं, कि छोटी सी गलती है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, मगर कितनी भारी है आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो कभी भी हैंड ब्रेक को अगर आप थोड़ी सी भी लगती है आपसे, यहाँ भी लगती है, तो भाई इसको पक्का ध्यान देना, नुकसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप नहीं है तो किसी से भी पता कर लेना, चाहे आप इंटरनेट पे भी सर्च मार सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको लाइव चला के भी दिखा दिया कि गाड़ी हैंड ब्रेक में भी चलती है, अगर फुल लगी हुई है तब तो नहीं चलेगी भाई,
ठीक है, तो भी वो जोर से चलेगी मगर उतनी तेजी से नहीं भागेगी, अगर नॉर्मल थोड़ी सी बीच में लग के रुकी हुई है तो भी आपकी कार चलेगी, ठीक है, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई को थोड़ा सा मोटिव अच्छा मिलता है, मैंने कार सिखाने रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है, आप कार चलाना बहुत आसानी से सीख सकते हो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आऊंगा जितनी से जितनी हो सकती है, कमेंट जरूर करना कि मेरे को भी रिप्लाई करने में मजा आए। धन्यवाद दोस्तों।